हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बावरवा। आज मैं आपको बताऊंगा अपने लैपटॉप या फिर पीसी पे कैसे फुल फॉर्मेट लगाते हैं विथआउट डीवीडी एंड सीडी। पेन ड्राइव से हम फुल फॉर्मेट लगाएंगे, जिसमें आपको सिर्फ बूटेबल पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी। बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनानी है ये मैंने अपने अगले वीडियो पर दिखा दिया है, वो आप देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। पहला स्टेप है, आपकी जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो आप आपके पीसी या फिर लैपटॉप में इंसर्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको अपना पीसी रिस्टार्ट करना है। क्या करना है? रिस्टार्ट। जब आपका पीसी रिस्टार्ट हो तब आपको बूटेबल मेनू की जो की है वो आपको दबानी है। ज़्यादातर F12 होती है, फंक्शन की F12 आपको प्रेस करनी है। ये मेरा बूटेबल मेनू आ गया। अब यहाँ से जिस डिवाइस से मुझे फॉर्मेट लगाना है वो मुझे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ मैं अपने बूटेबल पेन ड्राइव से फॉर्मेट लगा रहा हूँ, तो आपको दिखाई दे रहा है लास्ट में सैंडिस्क क्रूज ब्लेड, वो मुझको सिलेक्ट कर लेनी है और आपको एंटर की दबानी है। और ये सेटअप स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग विंडोज, आप देख सकते हैं मेनू आ गया और यहां से हमें नेक्स्ट कर देना है। या लैंग्वेज या वे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्री। यहाँ से नेक्स्ट, इंस्टॉल विंडो, वहाँ पर क्लिक कर देना है। इंस्टॉल विंडो पर सेटअप स्टार्टिंग, उसके बाद यह आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। 86 का मतलब 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और 64 बहुत हैवी है। हम 32 का यानी कि 86 का इंस्टॉल करेंगे, वो सिलेक्ट ही है और हमें नेक्स्ट कर देना है। आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म, नेक्स्ट। फिर यहाँ हमें कस्टमाइज एडवांस करना है या कस्टमाइज सेकंड ऑप्शन, वहाँ क्लिक कर दीजिए और आपकी पीसी की जितनी भी पार्टीशन है वो सब दिखाई देगी। अगर आपको अपना पीसी फुल फॉर्मेट करना है तो ये सभी ड्राइव दिख रही है, सभी पार्टीशन, वो सबको डिलीट कर देनी है। अगर सभी में फॉर्मेट नहीं करना, सिर्फ सिस्टम ड्राइव में फॉर्मेट करना है, तो जो हमारे सिस्टम ड्राइव है तो उस पर सिर्फ फॉर्मेट करना है। लेकिन हम यहाँ फुल फॉर्मेट करेंगे। यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा है डिवाइस ऑप्शन, एडवांस ऑप्शन, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाएगा, हम क्लिक करेंगे डिवाइस। अब सभी ड्राइव, एक एक ड्राइव को हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देनी है। याद रखिए, आप तभी फुल फॉर्मेट लगाए जब आपका पूरा डेटा आपने किसी और डिवाइस में लिया हो, क्योंकि इसमें जो भी डेटा है हमारे पीसी में वो सब डिलीट हो जाएगा। इसलिए खास ध्यान रखना कि पूरे पूरा हमारा डेटा कोई भी डिवाइस पे पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में बैकअप लेना चाहिए। सिलेक्ट और डिलीट, ओके। इसी तरह सभी ड्राइव को डिलीट करनी है। सिलेक्ट, डिलीट। आप ये देख रहे हैं ऊपर जो दिखाई दे वो सब फ्री हो रही है। डिलीट,
सभी पार्टीशन डिलीट हो गई। अब यहाँ से हम न्यू पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। देख रहे हैं जो पहली ड्राइव आप पहली पार्टीशन जब बना होगी वो सिस्टम ड्राइव की होगी। क्या होगी? सिस्टम ड्राइव, क्योंकि जो जो भी आपका डेटा इंस्टॉल होगा विंडोज 7 का वो सब सी ड्राइव में रहेगा। उसमें आप कोई भी फाइल या डिलीट या नहीं कर सकते या कोई डाल नहीं सकते। तो यहाँ न्यू करेंगे, जितनी हमारी ज़रूरियात है उतनी कर सकते हैं। मुझे 35 GB की ज़रूरत है सी ड्राइव में, तो यहाँ से मैं क्रिएट कर लूँगा 35 GB। यहाँ टाइप कर दूँगा 35, अप्लाई, ओके। तो ये दो ड्राइव बन गई, ये पहली है, ओ रिजर्व है क्योंकि वो हमेशा बनती है, और ये दूसरी है हमारी सिस्टम है। जो भी हमारी इसका डेटा है विंडोज 7 का वो सब सेकंड पार्टीशन है, उसमें बैकअप होगा। अब यहाँ से क्रिएट करना है, जितनी भी क्रिएट करनी है 2-3 कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ सिर्फ सिंगल ही रखनी है। तो यहाँ से न्यू कर दूंगा, अप्लाई। मेरी टोटल दो ड्राइव दिखाई देगी, दो पार्टीशन, ये है सिस्टम की और ये है मेरा डेटा वाले। तो हम यहाँ से सेकंड पार्टीशन में इंस्टॉल करना है इसके वो सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से नेक्स्ट। पंद्रह बीस मिनट लग सकती है इस टोटल प्रोसेसिंग में। थोड़ी देर में पीसी रिस्टार्ट होगा और ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा। ये भी कंप्यूटर रिस्टार्ट हो गया है, हमारी सिस्टम इंस्टॉल हो गई है। या अभी हमारे पीसी का जो नाम रखना है वो यहाँ टाइप कर देना, और नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। या पासवर्ड हमें डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डालेगा तो फिर भी नेक्स्ट कर देना। और यहाँ से आस्क मी लेटर, या जब भी हमारे सिटी का टाइम जोन हो या हमारी कंट्री का टाइम जोन हो वो सेट कर लेना है। इंडिया का चेन्नई कलकत्ता मुंबई लिखा हुआ होगा, इंडिया का चेन्नई कलकत्ता मुंबई न्यू दिल्ली लिखा होगा, वो हमको सिलेक्ट करना है। फिर नीचे नेक्स्ट, अरे हमारा पीसी स्टार्ट हो गया है। और पीसी हमारा स्टार्ट हो गया, फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट मेनू में जाकर अब जो भी आइकॉन डेस्कटॉप पर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। यहाँ पे अपना पीसी का आइकॉन सिलेक्ट कर लूँगा, या रहा कंप्यूटर, राइट क्लिक करके सो ऑन डेस्कटॉप आ गया। यहाँ से अब ओपन कर सकते हैं, ये मेरी ड्राइव है, इसको पहले हम फॉर्मेट करनी पड़ेगी। फॉर्मेट कर दीजिए,
और ये हमारा पीसी बिल्कुल नया हो गया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और इस पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।